अजी सभी लोगों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर में। इस सेंटर के नाम पर ही आधारित हमने चैनल का नाम रखा है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, चैनल का नाम क्या है? ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर। चैनल का नाम जरा ना भूलें, ध्यान रखें, ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल का नाम है। इस कोचिंग सेंटर के ही नाम पर हमने इस चैनल का नाम रखा है, ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर। सभी बच्चों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करने की कोशिश करें एवं लाइक करने की कोशिश करें। आपके सामने हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। विज्ञान का हमारा अच्छा खासा जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र किसे कहते हैं, इसके विभिन्न अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पेपरों में अक्सर पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव नेत्र किसे कहते हैं, इसके विभिन्न अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मानव नेत्र को। मानव नेत्र सबसे पहले लिखेंगे कैसे कि मानव नेत्र क्या है, तो मानव नेत्र के ऊपर हेडिंग डाल दी है हमको। सबसे पहले लिखना है मानव नेत्र, मानव नेत्र करके ऐसे करके थोड़ी सी हेडिंग डाल के, और इसमें लिखना है मानव नेत्र एक बहुमूल्य अंग है। क्या है? मानव नेत्र एक बहुमूल्य अंग है जो लगभग फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है, जिसका व्यास 25 mm होता है। किसकी तरह कार्य करता है? कैमरे की तरह, फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है, जिसका व्यास जो होता है लगभग 25 mm का होता है। कितना होता है? 25 mm का। इसमें कोई ज्यादा विशेष बात है नहीं, जो हमारा मानव नेत्र बहुमूल्य अंग होता है। मानव नेत्र अगर लिखे तो कैसे लिखे, मानव नेत्र एक बहुमूल्य अंग होता है जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है तथा कैमरे की तरह कार्य करता है, जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं। और हमें चित्र बनाकर ये निम्नलिखित भाग दिखा देनी है। क्या क्या निम्नलिखित भाग होते हैं? बहुत से निम्नलिखित भाग होते हैं जिसमें हम दिखा रहे हैं। दृढ़ पटल है आपका, रक्तक पटल है, इसके बाद कॉर्निया है, नेत्र लेंस है, पुतली एवं नेत्र तारा रेटिना है। पेपर की दृष्टि से हम देखें तो हमको मात्र 4 या 5 टॉपिक से ही काम चल जाएगा। 4-5 हेडिंग डाल के हम इसके बारे में लिख देंगे। वैसे तो अन्यथा की स्थिति में इसमें कम से कम 10 पार्ट होते हैं, 10 इसके अंग होते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं। तो लिखने के लिए हमें समय की भी विशेष ज़रूरत है, वहाँ पे विशेष और समय हमारे पास कम होता है। और इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें नेत्र लेंस के निम्नलिखित भाग होते हैं, और लिखना है दृढ़ पटल किसे कहते हैं या दृढ़ पटल क्या है। ऐसे करके दृढ़ पटल हेडिंग डाल दी है। पहले लिखना है मानव नेत्र, आप लिख ही देंगे। मानव नेत्र एक बहुमूल्य अंग है जो लगभग फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है, जिसका व्यास 25 mm होता है। आगे नई लाइन से